আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি হামদান কাসীরা কামা আমার, ওয়া আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ফিল খালকি ওয়াল আমর, ওয়া আশহাদু আন্না সাইয়্যিদানা ওয়া নাবিয়্যানা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव क्यू एंड ए का प्रोग्राम और मुफ्ती मोहम्मद अशफाक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये प्रोग्राम मंडे से फ्राइडे तक इसी वक्त नशर होता है और जैसा कि आप जानते हैं कि शुरू में किसी मौजू पर गुफ्तगू होती है और फिर आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला जारी किया जाता है, जिसमें आप दीनी सवालात के जवाबात और ख्वाब की ताबीरात, क्योंकि आज वेनसडे है, बुध के दिन ख्वाब की ताबीरात भी बताई जाती हैं। तो आज जो हमने आयतें पढ़ी हैं, सूरह अनआम की आयतें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार मक्का को जब दावत दी तो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के फरमाइशी मौजज़ात भी मांगे। गुज़िश्ता आयतों में अल्लाह ताला ने आपको तसल्ली दी कि अगर ये लोग ईमान नहीं लाते हैं, ये आपकी तकज़ीब करते हैं, दरअसल ये आपको नहीं झुटलाते, अल्लाह की आयात को झुटला रहे हैं। और गुज़िश्ता मजलिस में ये भी बताया था कि मुशरिकीन में से बाज़ की ज़बान से ये निकला कि हम आपको झूठा नहीं कहते, लेकिन ये जो आप पैगाम लेकर आए हैं हम इसे नहीं मानते। अबू जहल, अखनस इब्ने शुरैक, ये बड़े बड़े लीडर हैं, फिर भी इनकी ज़बान से निकल चुका है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह तमन्ना थी कि जो ये मांग रहे हैं उनको दे दिया जाए, यानी ऐसे मौजज़ात जिनका ये डिमांड कर रहे हैं अल्लाह ताला बतला दें ताकि ये ईमान ले आएँ। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं। व इनकान कबुर अलैक इरादहुम फइन इस्तताअत अन तबतगी नफ़क़न फ़िल अर्द औ सुल्लमन फ़िस्समाए फ़तअतियहुम बिआया। अगर आपको इनका एराज, इनकी नागवारी या इनका मुँह फेरना गिरा गुजरता है तो आप चाहें तो आप आसमानों पे चढ़ के कोई ले आए मौजज़ा। वलौ शाअल्लाहु लजमअहुम अलल हुदा, अगर अल्लाह चाहते तो इन सबको हिदायत पर जमा कर देते, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन ये एक आजमाइश रखी गई इनके लिए। इन आयात में जो आप आज पढ़ी गई, वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, फरमाते हैं अल्लाह ताला हम रसूलों को भेजते हैं दो कॉज लेकर, दो मिशन लेकर, मुबश्शिरीन और मुनज़िरीन, बशारत देने वाले, खुशखबरी देने वाले, जन्नत के इनामात की, जन्नत के नेमतों की, उन लोगों के लिए जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके लिए नेमतें ही नेमतें। सूरह अर्रहमान में उसका तज़किरा, सूरह वाक़िया में उसका तज़किरा, मुख्तलिफ़ सूरतों में ऐसी नेमतें जिनका हम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकते दुनिया में, वो नेमतें अल्लाह ने जन्नत में मानने वालों के लिए, मोमिनीन के लिए रखी है। और दूसरा मुनज़िरीन, जो लोग अल्लाह की आयात का इनकार कर रहे हैं, जो अल्लाह को नहीं मान रहे हैं, उनको अजाब से डराना, ये दो काम हैं, मुबश्शिर और मुनज़िर। इससे पहले कि सूरह निसा में भी आ चुका, रसूलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नास अलल्लाहि हुज्जतुन बादर रुसुल, अल्लाह ताला ने ऐसे रसूलों को भेजा जो बशारत देने वाले थे, जो डराने वाले थे।
तो ये दो काम नबी के ज़िम्मे लगाए हैं, तमाम नबियों के ज़िम्मे। फ़मन आमन वासलह फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो भी ईमान लाए और अपनी ज़िंदगी को उसने दुरुस्त कर ली, नेक आमाल करता रहा, फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, आखिरत में न उन पर कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। दो लफ्ज़ हैं, खौफ और हुज़्न। खौफ कहते हैं मुस्तकबिल में, फ्यूचर में पैदा होने वाले हालात का डर, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। और हुज़्न कहते हैं पास्ट में, माजी में किसी बात का अफसोस और गम। मोमिनीन को जन्नत में पहुंचने के बाद न मुस्तकबिल का कोई खौफ होगा कि क्या होगा हमारा, और न माजी में जो कुछ गुजर चुका उस पर कोई गम भी नहीं होगा उनको। ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और उसके मुकाबले में दूसरा तबका, वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना यमस्सुहुमुल अज़ाब, और वो लोग जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया उनको अज़ाब पकड़ेगा। बिमा कानू यफ़्सुकून, इस वजह से कि वो नाफरमानी किया करते थे। قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ। ये लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी ऐसी बातें पूछा करते थे, बहुत से ऐसे डिमांड किया करते थे। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ये ऐलान फरमा दिया, कुल, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही ऐलान फरमा दीजिए, ला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, मैं नहीं कहता तुमसे कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, वला आलमुल गैब, और न मैं कहता हूँ कि मैं गैब जानता हूँ। जो बातें अल्लाह ताला ने छुपा कर रखी हैं, जब तक वो किसी नबी को किसी इत्तला न दे वहाँ तक पता नहीं चलता। आलिमुल गैब व अल्लाह की ज़ात है, जो कुछ हो चुका, जो कुछ होने वाला है, जो कुछ हो रहा है, इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को है। इस सिफत में उसका कोई शरीक नहीं। हाँ, अल्लाह ताला किसी को बतला दें तो उसको इल्म नहीं, फिर खबर गैब कहा जाता है। अल्लाह ने बतला दिया कि ये होने वाला है, और ये बतलाना अल्लाह की तरफ से है। और अल्लाह ताला ने बहुत से अंबियाए किराम को बहुत सी बातें बतला दी जो आम लोग नहीं जानते थे, और उनमें सबसे ज़्यादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाई। क़ुरान वाक़ियात साबिका, उमम साबिका के हालात जब बयान करता है, अगली उम्मतों के हालात, आखिर में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, तिलका मिन अंबाइल गैब नूहीहा इलैक, ये वो गैब की खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही के ज़रिए भेजते हैं। मा कुंत तअलमुहा अंत वला कौमुका मिन क़ब्ल हाज़ा, न आपको इससे पहले इसका पता था, न आपकी कौम को इससे इसके बारे में इल्म था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े के बाद ये लफ्ज़ हैं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े के बाद, ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूहीही इलैक, ये वो गैब की खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही के ज़रिए भेजते हैं। वमा कुंत लदैहिम इज़ अजमऊ अमरहुम वहुम यमकुरून, आप उनके पास हाजिर नहीं थे जब वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में प्लानिंग कर रहे थे, तदबीरें बना रहे थे, किस तरीके से उनको कुएं में डालने के लिए प्लान कर रहे थे। अल्लाह जानता है ये तमाम हालात, अल्लाह ने आपको बतला दिया। वहीं को तमिन कबल ही लमिन अलगाफिलीन, शुरू वाक़े में जहाँ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़े शुरू होता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं आप इससे पहले इस वाक़े से बेखबर थे, आपको नहीं पता था यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़ क्या है। इसी तरह मरियम अलैहिस्सलाम के वाक़े में और बहुत से वाक़ात में अम्बा उल गैब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। वला आलमुल गैब, आप ऐलान कर दीजिए कि मैं गैब नहीं जानता। वला अकूलु इन्नी मलक, और मैं ये भी नहीं कहता कि मैं फरिश्ता हूँ। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमिना के वतन से पैदा किया। हज़रत अब्दुल्ला आपके वालिद, हज़रत आमिना आपकी वालिदा, खुसूसियत ही अता फरमाई कि तमाम नबियों के सरदार, तमाम इंसानों में सबसे अफजल, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम सैयद वल्द आदम वला फ़ख्र अली फरमाया आपने, मैं क़यामत के दिन पूरी इंसानियत
जितने आदम अलैहिस्सलाम के औलाद में इंसान हैं सबका सरदार होंगे। वाला फ़ख्र अली, और मेरे लिए कोई फ़ख्र की बात नहीं। ये ऐलान फरमाया जा रहा है, और उसके बाद इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैय, मैं तो पैरवी करता हूँ उसी की जो मेरी तरफ वही नाजिल की जाती है। यानी अल्लाह की तरफ से जो अहकाम आते हैं मेरी ज़िम्मेदारी उसको फॉलो करना है। वमा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन, सूरह हूद में ये फरमाया कि अल्लाह की तरफ से मैं खुला डराने वाला हूँ। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ। इस कुरान के ज़रिए आप उन लोगों को डराइए जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, जो क़यामत के दिन जमा होने पर यकीन नहीं रखते, उनको डरा दीजिए कि उस दिन तुम्हारे लिए कोई सिफारिश ही नहीं होगा, न तुम्हारा कोई मददगार होगा जो तुम्हारी मदद कर सके। मुशरिकीन मक्का की तरफ से जो लीडरान थे, बड़े बड़े लोग थे, उनकी तरफ से एक और ऑफ़र आई कि हम तो आना चाहते हैं लेकिन क्या करें, ये आपकी मजलिस में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनका हमारे समाज में कोई स्टेटस नहीं, कोई वैल्यू नहीं इनकी, तो हमारा इनके साथ बैठना हमको सूट नहीं करता। अगर आप ऐसा करें कि जब हम आएँ तो आप इनको उठा दिया करें, यानी वो मोमिनीन जैसे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत खब्बाब, हज़रत और सहाबे किराम जो ग़रीब थे लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे रहते थे, तो इन सरदारों की तरफ से ये बात आई कि हम आएँ, बात सुने आपकी, लेकिन एक शर्त कि इनको आप उठा दिया करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कुछ ख्याल हो चला था ताकि उनको बात पहुँचा दें। अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई वला ततरुदुल लदीन यदउन रब्बहुम बिल गदाति वल आशी युरीदुन वजहा, आप ना हटाएं उन लोगों को जो सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह से दुआएं करते हैं, युरीदुन वजहहु, अल्लाह की रजा चाहते हैं। यानी इनका ईमान जो बैठे हुए हैं जो मजलिस में आपके सामने है, यकीनी ईमान है। जितनी देर आपके पास बैठेंगे उनके ईमान में तरक्की हो रही है, और वो जो आने वाले हैं वो तो महूम है, इनका ईमान मशकूक है, पता नहीं सुनने के बाद भी ईमान लाते हैं या नहीं। तो आप एक यकीनी चीज़ को न छोड़ें उस महूम चीज़ के लिए, मशकूक चीज़ के लिए, पता नहीं वो ईमान लाएँगे भी या नहीं। मा अलैक मिन हिसाबिहिम मिन शैइन वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शैइ, न आप पर उनके हिसाब में से कुछ है और न उन पर आपके हिसाब में से कुछ है। यानी उनकी गुमराही का सवाल आपसे नहीं किया जाएगा और आपके बारे में उनसे नहीं पूछा जाएगा। अगर वो ईमान लाते हैं तो उनका अपना फ़ायदा है, और अगर ईमान नहीं लाते उनका अपना नुकसान। फ़तत्रुदहुम फ़तकून मिन अज़्ज़ालिमीन, कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको यहाँ से हटा दें और आप इन पर ज़ुल्म करने वाले हो जाएं। अगर आप इनको हटा देंगे तो ज़ुल्म करने वाले हो जाएं। सूरह कहफ़ में अल्लाह ताला ने एक और लफ्ज़ इरशाद फरमाया वस्बिर नफ्सक मअ लदीन यदउन रब्बहुम बिल गदाति वल आशी युरीदून वजहा वला तअदु अयनाका अन्हुम, आप इनसे अपनी आंखें न हटाएं। यानी इनके सामने जो आप बैठे हुए हैं वो आपको देख रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं, तवज्जो उनको इनकी तरफ रखें। तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, आप ये चाहते हैं कि दुनिया की जीनत हासिल हो। वला तुतिअ मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवा, आप उस शख्स की बात न माने जिसके दिल को हमने अपने ज़िक्र से गाफिल कर दिया है। वकान अमरुहु फुरुता, जिसने अपने ख्वाहिशात की इत्तिबा की है और उसका मामला हद से आगे बढ़ गया है। उन्हीं सरदारों की बात न मानने का कुरान हुक्म दे रहा है कि आप उनकी इताअत न करें। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव क्यूएनए का प्रोग्राम, मुफ्ती मोहम्मद अशफाक आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आपके लिए लाइनें खोल दी जाती है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या आप कोई ख्वाब की ताबीर पूछना चाहते हैं तो स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करें जो स्क्रीन पर आ रहा है,
انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ۔ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، یعنی انہی ایمان والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، جن کو ہٹانے سے آپ کو روکا گیا، وہی انہی ایمان والوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، وہ جو آپ کے پاس آتے ہیں ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے، تو آپ ان سے کہیے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے آپ پر رحمت لازم کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پر یقینی ہے، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت آنے والی ہے، نازل ہونے والی ہے، اور اللہ کی سلامتی تم کو پہنچنے والی ہے۔ کیوں؟ انہو من عامل منکم سوءا بجہالت ثم تاب من بعدی، تم میں سے جو بھی ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا، اور پھر کوئی غلطی بھی کر لے گا، اور اس غلطی کے بعد توبہ کر لے گا، فانہو غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ بڑی پر امید آیت ہے ان لوگوں کے لیے جو راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ کر لو، تمہارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا، یعنی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بندو، جنہوں نے ظلم کیا اپنی ذات پر گناہ کر کے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ انسان خلوص دل کے ساتھ توبہ کر لے، اخلاص کے ساتھ توبہ کر لے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ قربانی جب کرنے لگیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں، جن کا انتقال ہو چکا ہے، ہم ان کے نام سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، تو پلیز آپ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولانا، میں نے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی۔ جی فرمائیے۔ میں نے رمضان میں خواب دیکھا تھا، میرے گھر سے تاکرات تھے، جی جی، میں سوئی ہوئی تھی، اور کیا کہتے ہیں، ایک دم سے میری آنکھ کھلی تو میرے پاؤں کی طرف، جو چرپائی پہ لیٹی تھی بیڈ کے اوپر، تو پاؤں کی طرف دو وائٹ پوش آدمی تھے، پتہ نہیں کون تھے، میں نے دیکھا، شکل نہیں دیکھی، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے سنا کہ جلدی کرو، اس کو جانا ہم نے نا لے کے، اور پھر میں نے پیچھے سرحانے کی طرف گردن موڑی ہے، تو وہ بھی یہی کہہ رہے چلو چلو، اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور میں گھبرا گئی، میں نے پتہ نہیں کیا بات رہی۔ کچھ وقت آپ بیمار تھی؟ کچھ نہیں نہیں کچھ نہیں، میں تو بہت اچھی تھی، اچھی طرح روزے رکھ رہی تھی الحمد للہ۔ ٹھیک ہے، ان شاء اللہ بتاتے ہیں۔ ہماری بہن کا جو سوال ہے، بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور میں چاہتا ہوں کہ قربانی اور حج کے دن قریب ہیں، تو جو لوگ حج کے لیے جانے والے ہیں وہ اس کے مسائل بھی پوچھ لیں، اور جو قربانی کے مسائل پیش آتے رہتے ہیں وہ بھی پوچھ لیا کریں۔ سوال جو آپ کا تھا کہ مرحوم کی طرف سے قربانی، جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کی طرف سے قربانی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، ان کو ثواب پہنچے گا۔ شرط یہ ہے کہ اپنی پہلے قربانی آپ ادا کریں، اس کے بعد اللہ نے طاقت دی ہے تو اپنے مرحومین کی طرف سے کریں گے، اپنا واجب چھوڑ کر ان کی طرف سے نہ کریں۔ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام امتیوں کی طرف سے ایک قربانی پیش کی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال ایک جانور ایکسٹرا قربانی کرتے تھے، پوچھا گیا تو فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا، اس لیے ہر سال میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ اور ایک پرنسپل اور اصول کی بات یہ ہے کہ جو بھی ہم عبادات ادا کرتے ہیں،
चाहे वो नमाज हो, चाहे रोज़ा हो, चाहे कुरान की तिलावत हो, हज हो, सदका हो, इन तमाम इबादतों को हम करके उसका सवाब मरहूमीन को पहुंचा सकते हैं। दो रकात नफिल नमाज पढ़ ली आपने, जो सवाब इसका मिला है अल्लाह हमारे फ़लाँ मरहूम को पहुंचा दे। नफिल रोज़ा रख लिया, उसका सवाब पहुंचा दिया। कोई सदका दिया, उसका सवाब पहुंचा दिया। हज अदा किया, उसका सवाब पहुंचा दिया। ये इसी तरह कुर्बानी करके भी इसका सवाब पहुंचाया जा सकता है। एक और कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी मुफ्ती साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, बस दुआओं की ज़रूरत है आपकी। इंशाल्लाह करेंगे। और जी इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने ख्वाब की ताबीर पूछ ली है। जी क्या देखा? जी वो मैंने नहीं देखा, मेरी बेटी ने देखा है। हाँ। कि वो एयरपोर्ट पर है और वहाँ मैं, मेरी मरहुमा वालदा और मरहुमा सास भी हैं। अच्छा। तो मेरी मरहुमा वालदा ने उसको एक ब्राउन फ्लैट लिफाफा दिया है। अच्छा। तो वो दिल में सोच रही है कि ये अब दे रही है, पहले देती तो मैं सामान में रख लेती, पैक कर लेती। खैर वो उनसे लिफाफा ले लेती हैं कि चलो मैं हैंड लगेज में रख दूंगी। जब वो खोलकर देखती है तो उस लिफाफे में उसे उसके काम यानी लैब वगैरह की चीज़ें होती है, क्योंकि वो साइंस लैब वगैरह में काम करती है ना। अच्छा। तो वो उसकी चीज़ें होती हैं तो वो रख लेती है। फिर ड्यूटी फ्री शॉप में चलकर बैठती है तो उसे एकदम से देखती है कि वो उसकी खाला समीना भी हैं। अच्छा। तो वो उनसे वो हयात हैं समीना खाला, तो वो कहती है कि चलो लाउंज में चल के बैठते हैं। फिर वो एकदम से देखा कि वो टैक्सी में है, सफ़ेद रंग की टैक्सी है, वैन टाइप। और वो किस टैक्सी जो है वो सिग्नल पर खड़ी है, वो भी उसके अंदर बैठी हुई है मेरी बेटी। बेटियाँ जब सिग्नल से टैक्सी में बैठकर वो कह रही है कि ये टैक्सी वाला जो है ना वो लंबा रास्ता ले रहा है, बजाय सीधे जाने के वो सीधी तरफ मुड़ गया। अच्छा। तो उसने कहा ये तो बड़ा लंबा रास्ता ले रहा है, इसको तो यहाँ सीधा जाना था। खैर वो घर पर आ गई, रुक गई, उसे ये नहीं पता है किस का घर है, लेकिन ऊपर नीचे का घर है, यानी सेकंड फ्लोर भी है, फर्स्ट फ्लोर भी है। अच्छा। तो वहाँ पर मेरा बेटा जो है वो मेरी बेटी की मदद कर रहा है सामान उतारने में, टैक्सी की, टैक्सी में से सामान उतारने। तो वो अंदर गया सामान लेने, तो टैक्सी वाला जो है वो दो पाकिस्तानी है, ड्राइवर भी और उसका साथी भी, तो वो उसको लेके ना भाग गए सामान वाला, उसको लेके मेरे बेटे को चला गया। अच्छा। तो मैं वहाँ पे रो रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ कि हाँ वो अजीम को लेकर चले गए और ऊपर गए कि किसी से मदद मांगते हैं, और मैं कह रही हूँ कि जैसे किसी को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। तो वहाँ मेरे भाई है जिनका नाम मोहम्मद अलीम है, तो मेरी बेटी कहती है कि इनको इन्वॉल्व करें, इनसे कहें कि पुलिस को बुलाएं और पुलिस को फ़ोन करें। मैं अपने बेटे को फ़ोन कर रही हूँ कि मैं मालूम करूँ कि वो कहाँ है, मतलब टैक्सी में क्या है। तो वो उसकी है ना विस्पर की आवाज़ आ रही है, लेकिन वो बोल नहीं रहा। तो उसकी विस्पर सी आवाज़ आ रही है, तो मैं बहुत रो रही हूँ कि देखो वो पता नहीं कहाँ ले गए। तो मेरे भाई जो हैं वो जीन्स पहने हुए हैं, लेकिन ऊपर से बदन नंगा है। तो उन्होंने जब देखा ना, तो उन्होंने जल्दी से अपना बदन ऊपर से ढांप लिया, अलीम साहब ने। अच्छा। तो और वो क्या कहते हैं, बस मेरी बेटी जो है वो भी कह रही है कि इनको इन्वॉल्व करें और पुलिस को बुलाएं, कि वो पता नहीं अजीम के साथ क्या करेंगे। तो फिर बेटा वापस आया कि नहीं, ये ख्वाब में देखा? नहीं ये नहीं देखा, ये नहीं वापस आया, नहीं आया बस उसकी आंखों। बेटा क्या करता है? मेरा बेटा कुछ भी नहीं कर रहा आजकल। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह बता दें। काम की तलाश में है। और लड़की लैब में काम कर दी? लड़की मेरी जो बेटी है ना वो सिंगापुर में रहती है, साइटोलॉजिस्ट है वो। अच्छा अच्छा जी, जैसे कैंसर का रिसर्च वगैरह करना ये वो सब। ठीक है इंशाल्लाह बताते हैं। जी तो वैसे मैं मुफ्ती साहब, मैं अमूमन अपने इस बेटे को, मेरे एक बेटी एक बेटा है, मैं इस बेटे को अमूमन देखती हूँ। ठीक है इंशाल्लाह बताते हैं, अभी ब्रेक का वक्त हो रहा है, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद फिर आपसे बात करेंगे। नाज़रीन किराम, ब्रेक के बाद यह सिलसिला सवाल जवाब का जारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।